और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्क्विड गेम का एपिसोड 5 और एपिसोड 6। तो अगर आपने स्क्विड गेम के बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक पे दिए हुए हैं, तो पहले आप जाकर उन्हें देख लीजिए। लास्ट एपिसोड में गी हूँ और उसकी टीम हारने वाली थी कि तभी सांगू ने सभी को रस्सी को ढीली छोड़ देने को कहा, जिससे कि सामने वाली टीम का बैलेंस बिगड़ जाए। और ऐसा करते ही गेहूँ ब्रिज के और करीब आकर बस गिरने ही वाला था, लेकिन तभी सांगू का प्लान काम कर गया और सामने वाली टीम बैलेंस बिगड़ने से गिर गई। और फिर तुरंत ही सांगू और बाकी के सभी लोगों ने अब तक की सबसे ज़्यादा ताकत लगाकर रस्सी को खींचा और आखिरकार वो लोग मैच जीत ही गए। जीतने वाली टीम को वापस हॉल में आना था और रास्ते में जिससे कि सेबियो क्लेकर आई थी, उसने एक टीम मेंबर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया क्योंकि वो एक प्रीस्ट था। हॉल में डियोक्सो की टीम आपस में बातें कर रही थी। मैन्यू ने डियोक्सो की तरफ देखा और कहा कि उसे अब डियोक्सो की कोई ज़रूरत नहीं है। गियो की टीम भी बातें करने लगती है, जहाँ पर मैन्यू ने सबको कहा कि उन्हें उसकी तरफ रहना होगा और अली को एक फॉरेनर होने के कारण अपने से कम इम्पोर्टेंस दी। फिर कुछ देर के बाद में अनाउंसमेंट होता है कि 30 मिनट में लाइट बंद होने वाली है। गियो की टीम को पता था कि ऐसा होते ही सभी एक दूसरे पर फिर से अटैक शुरू कर देंगे और उन्होंने आसपास अपने बंक बेड से बैरिकेड्स बनाकर अपने आप को सेफ रखने का सोचा। और फिर इतने में डियोक्सु ने गियो से आकर पूछा कि क्या उसे लगता है कि बैरिकेड्स उन्हें मरने से बचा लेंगे। लेकिन इसके जवाब में गियो ने डियोक्सु से कहा कि उससे गियो की टीम से सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि वो उन्हें प्रोवोक कर रहा है, तो हो सकता है कि सबसे पहले मरने वाला वही हो। गियो की बातों को डियोक्सु ने सीरियसली लिया और उसने अपनी टीम से आकर कहा कि आज वो किसी को नहीं मारेंगे। इलनाम ने अपनी टीम की सुरक्षा के लिए रात भर जागने का डिसाइड किया और वो कहता है कि बूढ़े लोगों को वैसे भी सोने की ज़रूरत नहीं होती, पर उसकी अच्छाई को एक नए मेंबर ने यह कहकर काट दिया कि उन्हें एक बूढ़े आदमी की प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जल्दी लाइट्स बंद हो जाती है और सांगू और अली टीम के लिए जागते हैं। अली ने सांगू को आज उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहा और वो उसे एक भुट्टा देता है जो कि उसने सांगू के लिए बचा कर रखा हुआ था। सांगू ने उस भुट्टे का आधा हिस्सा तोड़कर अली को दे दिया और दोनों उसे खाते खाते बात करते रहे। सांगू ने अली से उसे युंग बुलाने के लिए कहा, जिसका कोरियन में मतलब बड़ा भाई होता है, और वे दोनों एक दूसरे को ये बताने लगे कि कैसे वो इस गेम में आए। फिर कुछ देर के बाद में सांगू ने गियो को उठाकर ड्यूटी चेंज करने के लिए कहा और डियोक्सु भी सो नहीं पा रहा था क्योंकि उसे भी किसी के हाथों मारे जाने का डर था। जहाँ पर कुछ स्टाफ एक डेड बॉडी के ऑर्गन्स पैक कर रहे थे, उसे पता चलता है कि जिस स्टाफ को उसने शिप में मारा था वो भी इस प्लान का हिस्सा था और डॉक्टर भी वहाँ पर मौजूद था, जिसके स्टाफ से धीरे धीरे काम करने के लिए बहस हो जाती है। फिर अगला सीन हॉल का था, जहाँ पर गियो का साथ देने के लिए इलनाम भी जागने आता है। गियो बताता है कि जिस कंपनी में वो काम करता था उन्होंने उसे 10 साल की सैलरी नहीं दी थी क्योंकि कंपनी लॉस में थी, और इलनाम उसे सिंपति देने लगता है और वो कहता है कि वो उसका दुख समझ सकता है। लेकिन तब गियो नोटिस करता है कि इलनाम को बुखार है और वो इलनाम को बिस्तर पर आराम करने के लिए लेकर आता है, लेकिन उसका बुखार उतारने के लिए गियो के पास पानी भी नहीं था। और इतने में सेबियोक ने आकर गियो को पानी दिया और दोनों ने इलनाम को सुलाकर पहरा देना शुरू कर दिया। यहाँ पर डॉक्टर ने बॉडीज के ऑर्गन्स को पैक करवा कर जुन्हो और एक और स्टाफ को दे दिए। उन्हें इन ऑर्गन्स के साथ समुद्र के अंदर जाकर खरीदार को देना थे जो कि उन्हें वहाँ पर मिलेंगे। उनके जाने के बाद में डॉक्टर ने बाकी स्टाफ से अगले गेम के बारे में पूछा, लेकिन स्टाफ ने बताया कि वो भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, जिससे कि डॉक्टर परेशान हो जाता है क्योंकि अगर उसे गेम के बारे में पता नहीं रहेगा तो वो मर जाएगा। उसने एक स्टाफ को पकड़कर दूसरे स्टाफ से गेम के बारे में पता लगाने को कहा, जिसके बाद में उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है और डॉक्टर बचकर लैब से बाहर भाग जाता है, लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण वो एक भूल भुलैया में पहुंच गया था। वो भागते भागते उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उन्होंने स्नेक वाला गेम खेला था और एक स्टाफ उसका पीछा करते करते वहां पर पहुंच जाता है। स्टाफ उसे शांत हो जाने को कहता है क्योंकि अगर किसी को उनके बारे में पता चल गया तो वो दोनों मारे जाएंगे, और डॉक्टर उस स्टाफ को अपना मास्क हटाने को कहता है ताकि उसे उस पर भरोसा हो सके। लेकिन इतने में ओवरसियर वहाँ पर आकर उस स्टाफ के हाथ पर गोली मारकर यह कहता है कि उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो बॉडीज के साथ में क्या करते हैं, लेकिन उन्हें प्लेयर्स को गेम के बारे में नहीं बताना चाहिए क्योंकि इससे उनकी फैसिलिटी में इक्वलिटी कम हो जाती है। जिसके बाद में ओवरसियर उस स्टाफ को मार देता है और बाकी के गार्ड्स डॉक्टर को। इधर जुनो और दूसरा स्टाफ इमरजेंसी रूम से नीचे जा रहे थे जो कि सिर्फ वीआईपीज के लिए था,
जिन्होंने स्टाफ से पूछा कि वो वीआईपीस कौन है, लेकिन स्टाफ को भी वीआईपीस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। स्टाफ को जूनो के इतना सवाल पूछने पर शक होता है और वह जूनो से उसका मास्क उतारने को कहते हैं। स्टाफ ये देखता है कि वो कोई और व्यक्ति है, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले जूनो उसके ऊपर गन रख देता है और फिर जूनो उस स्टाफ से अपने भाई के बारे में पूछता है, लेकिन स्टाफ को भी उसके भाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने जूनो को बस उन फाइल्स के बारे में बताया जिसमें सभी प्लेस की डिटेल है और वो ओवरसीयर्स के रूम में रखी हुई है। उसने फिर जूनो को एक और सीक्रेट रास्ते के बारे में बताया जो कि ओवरसीयर के रूम में जाता है, जिसके बाद में जूनो ने उस स्टाफ को शूट कर दिया और ओवरसीयर के रूम में चला गया। और फिर उसके जाते ही ओवरसीयर गार्ड के साथ में उस स्टाफ के पास में आता है जिसे कि जूनो ने अभी अभी मारा था। ओवरसीयर उस मरे हुए स्टाफ के सिर में हाथ डालकर गोली निकालता है और देखता है कि ये गोली किसी पुलिस ऑफिसर की गन की है और फिर वो जल्दी से जल्दी अपने स्टाफ को जूनो को ढूंढने के ऑर्डर दे देता है। इधर हॉल में अटैक अलार्म बजता है जिससे कि सभी प्लेयर्स जाग जाते हैं और उन्हें तुरंत एक लाइन बनाकर खड़ा होने के लिए कहा जाता है। इल्लम उठने से मना कर देता है जिससे कि बाद में पता चलता है कि उसने बिस्तर में टॉयलेट कर दी है। और यहाँ पर जूनो को ओवरसीयर के रूम में उन सभी प्लेयर्स की फाइल मिल जाती है जिन्होंने आज तक इस गेम में हिस्सा लिया है और उसे पता चलता है कि यह गेम काफ़ी सालों से खेला जा रहा है। प्लेयर्स को आधी रात में लाइन्स में खड़ा कराया गया था जहाँ पर गेयू ने इल्लम को अपने जैकेट से कवर कर लिया था क्योंकि उसे बुखार था, और फिर सभी को बाहर सीढ़ियों पर लाया गया था जहाँ पर स्टाफ और उनकी मदद करने वाले डॉक्टर की डेड बॉडी देखकर सभी डर जाते हैं। और फिर एक अनाउंसमेंट होती है कि जो भी अपने फायदे के लिए रूल्स को तोड़ेगा उसके साथ में यही होगा। नेक्स्ट सीन में जूनो सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो लेकर अपने भाई की फाइल ढूंढ रहा था, लेकिन इतने में बाहर रखा हुआ टेलीफोन बजने लगता है जिसे ओवरसीयर ने आकर उठाया था। फ़ोन किसी फॉरेनर का था जिससे कि ओवरसीयर ने इंग्लिश में बात की और वो बताता है कि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी लेकिन वीआईपीस के आने तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओवरसीयर के जाने के बाद में जूनो उस फ़ोन पर आकर दोबारा उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नंबर बंद था। फिर इधर सभी प्लेयर्स को एक वाइट हॉल में लाया गया था और सभी को दो दो के ग्रुप में बैठने को कहा गया था। गेयू की टीम को भी अलग होना था जिससे कि सब कन्फ्यूज हो गए थे। मीनू गेयू के पास आकर उसे बड़े प्यार से उसके साथ टीम बनाने को कहती है, लेकिन गेयू ने उसका कोई जवाब नहीं दिया था। जिसके बाद में मीनू सांगू के पास आती है, लेकिन उसने भी मीनू को कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर सांगू ने अली को अपनी टीम में आने के लिए कहा और दोनों टीम बनाने से पहले गेयू की तरफ देखते हैं कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन गेयू उन्हें खुशी खुशी आगे जाने को कहता है और खुद अपना पार्टनर ढूंढने लगता है। फिर हम देखते हैं कि इल्लम गेयू के पास आने लगता है, जिस पर गेयू न चाहते हुए भी इल्लम से कहता है कि वो एक बूढ़े आदमी के साथ नहीं जीत सकता। फिर इल्लम गेयू को अपना जैकेट देकर बोलता है कि अगर उसके पास जैकेट नहीं रहा तो लोग उससे परेशान करेंगे और वहाँ से चला जाता है। गेयू को इल्लम के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो फिर पार्टनर ढूंढने लगता है। सेबियक और जिंगयू ने भी टीम बना ली थी और इतने में एक आदमी गेयू के पास आकर टीम बनाने के लिए कहता है और बताता है कि डॉक्टर के मरने से प्लेयर में ऑड नंबर आ गया है, तो जिसके पास भी पार्टनर नहीं बचेगा वो मारा जाएगा। जिससे डरकर गेयू इल्लम की तरफ देखता है जो कि एक कोने में बैठा हुआ था। गेयू को उसे छोड़ देने के लिए दुख हो रहा था और इसलिए वो इल्लम के पास जाकर उसे अपना टीममेट बनाने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि जो प्लेयर बचा रह गया था वो थी मीनू। उसने सबको कहा कि उसके बिना कोई नहीं जीत पाएगा, लेकिन सबके जाने के बाद में गार्ड्स आकर मीनू को ले जाते हैं। बाकी प्लेयर्स को फिर एक पुरानी स्ट्रीट में लाया जाता है जहाँ पर कई सारे घर बने हुए थे। इल्लम और गेयू अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं और इधर अली और सांगू ने भी एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि वो साथ में पैसे जीतेंगे, लेकिन सब ये सुनकर शौक हो जाते हैं कि उन जोड़ियों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। सभी को 10-10 मार्बल्स मिलते हैं और कहा जाता है कि वो इनसे कोई भी गेम खेल सकते हैं। ज़्यादातर लोगों ने वो गेम खेला जिसे मार्बल के गड्ढे में गिराना होता है, या फिर वो जिसमें दूसरे इंसान को बताना होता है कि पहले इंसान के हाथ में कितने मार्बल्स है। उन्हें इसके लिए 30 मिनट दिए जाते हैं। गेयू टेंशन में था, लेकिन इल्लम मार्बल्स की खूबसूरती को देख रहा था। वो भूल गया था कि वो यहाँ पर किस लिए आया है। फिर गेम शुरू होते ही सबने खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन इल्लम गलियों में जाकर अपना घर ढूंढने लगा था। गेयू इल्लम को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इल्लम उससे कहता है कि यह गेम बचकाना गेम है और उसे यह बचकाना गेम नहीं खेलना है। फिर आखिर में गुस्सा होकर गेयू ने इल्लम को दीवार पर धक्का देकर यह बताया कि अगर उन्होंने गेम नहीं खेला तो वो दोनों मर जाएंगे, जिससे कि इल्लम डर जाता है और गेम खेलने के लिए मान जाता है।
यहाँ पर सांगू और अली जो कि भाई बन गए थे अब एक दूसरे के खिलाफ खेलने वाले थे। अली ने खेलने से मना कर दिया था लेकिन सांगू ने उसे मना लिया था। अली को भी कोई भी गेम खेलना नहीं आता था तो सांगू उसे गेम खेलना सिखाता है। वो उसे बताता है कि एक इंसान अपने हाथ में मार्बल्स रखेगा और दूसरे इंसान को बताना है कि वो उसमें इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर, और अगर उसका अंदाज़ा सही निकला तो छुपाने वाले मार्बल्स दूसरे इंसान के पास चले जाएंगे। और फिर दोनों ने गेम खेलना शुरू कर दिया जिसमें अली ने सही अंदाज़ा लगाया और सांगू के दो मार्बल्स ले लिए, और फिर गेम में आगे चलकर उसने सांगू के और नो मार्बल्स को ले लिए। स्टाफ ने इतने में हारने वालों को मारना शुरू कर दिया जिस पर सांगू ने कहा कि उसके पास एक प्लान है जिससे कि वो दोनों बच जाएंगे। अली जो कि एक सीधा साधा आदमी था वो नहीं चाहता था कि उसके कारण सांगू मारा जाए तो उसने उसकी बातें मानना शुरू कर दी थी। सांगू उससे कहता है कि वो आपस में लड़ने की जगह दूसरी टीम से लड़ेंगे जिससे कि स्टाफ भी कन्फ्यूज हो जाएगा, वो जीतने वाली टीम बच जाएगी। दोनों फिर स्ट्रीट में जाकर बूढ़े लोगों को ढूंढना शुरू कर देते हैं जिनसे कि वो लड़ सके। अली को अभी भी ये प्लान समझ में नहीं आया था लेकिन सांगू के लिए वो इस प्लान में शामिल हो जाता है। सांगू अली को मार्बल्स अपने गले में पहने रहने को कहता है ताकि कोई उनसे वो छीन न ले। और इधर सेबक और जियो सोच में थे कि वो क्या करें। सेबक नॉर्थ कोरिया से आई हुई थी तो उसे कोई मार्बल्स गेम नहीं आते थे और जियो ने उसे सिखाने को कहा था। उनके पास में 30 मिनट थे तो उन्होंने पहले बातें करने का और लास्ट में गेम खेलने का डिसाइड किया था। सेबियो के बताती है कि उसके डैड बॉर्डर पार करते टाइम मारे गए और मॉम को चाइनीज पुलिस ने पकड़कर वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया। सेबियो ये भी बताती है कि ये पैसे जीतकर उसे एक घर खरीदना है और जेजू आइलैंड जाना है जिस पर जियो ने उसके साथ चलने के लिए कहा, लेकिन सेबियो ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उन दोनों में से आज कोई एक जिंदा बचेगा। फिर जियो ने बताया कि वो अपने एब्यूसिव डेड को मारकर जेल जा चुकी है और अब उसके पास में जीने की कोई भी वजह नहीं है। यहाँ पर इलनाम और गियो ने भी गेम खेलना शुरू कर दिया था जिसमें इलनाम ने पहली बार में ही गियो के 5 मार्बल जीत लिए थे और आखिर में गियो के पास में एक मार्बल बचा हुआ था। उसने घबरा कर इलनाम के मार्बल्स को इवन मार्बल्स का अंदाज लगाया था जो कि गलत था, लेकिन इलनाम उसका जवाब भूल गया था जिससे कि गियो को आंसर बदलने का मौका मिल गया था। गियो ने फिर हर गेम में इलनाम की बीमारी का फ़ायदा उठाया जिससे कि इलनाम के पास में आखिरी में एक मार्बल बचा हुआ था, लेकिन वो फिर से खेलने की जगह अपना घर ढूंढने लगता है। डियोक्सी ने भी अपने एक चमचे से गलती से गेम जीत लिया था। फिर जियो ने सेबियो को ये बताया कि जिसका मार्बल दीवार के सबसे पास गिरेगा वो जीतेगा। सेबियो का मार्बल दीवार के बहुत पास आकर गिरता है और फिर जियो ने अपने चांस में अपना मार्बल ज़मीन पर गिरा दिया था जिससे कि सेबियो जीत जाती है और सेबियो ने उसे धमकाते हुए फेयर गेम खेलने को कहा था, लेकिन जियो को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो फिर सेबियो को लास्ट गुड बाय कहती है और एक स्टाफ उसे शूट कर देता है। अली यहाँ पर सांगू को ढूंढ रहा था पर जैसे ही उसने अपने मार्बल देखा उसे पता चला कि उसके भाई जैसे दोस्त ने उसे धोखा दे दिया है और उसके मार्बल की जगह पत्थर रख दिए हैं। अली अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पाया लेकिन इतने में एक स्टाफ ने उसे भी शूट कर मार डाला। अब बस इलनाम और गियो बचे हुए थे। गियो उसे एक आखिरी गेम खेलने के लिए मना लेता है जिस पर इलनाम ने सारे मार्बल्स को आखिरी गेम में दांव पर लगाने को कहा क्योंकि उसे पता था कि गियो उसके साथ में चीटिंग कर रहा है। गियो को पता चलता है कि इलनाम बस उसे जिताने के लिए भूलने का नाटक कर रहा था और फिर आखिर में इलनाम ने खुशी खुशी अपना आखिरी मार्बल भी गियो को दे दिया और उससे अपने साथ खेलने के लिए थैंक्स कहा। दोनों फिर से रोते हुए एक दूसरे के गले लगते हैं और गियो बाइक लेकर जाने लगता है और फिर इतने में एक गोली चलने की आवाज़ आती है जो कि इलनाम पर चलाई हुई गोली थी। और इसी के साथ में स्क्विड गेम का एपिसोड 5 और एपिसोड 6 ख़त्म होता है।